जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 15 अगस्त पर आसान सा भाषण देना सिखाएंगे और इसकी शुरुआत हम शायरी के माध्यम से करते हैं। पहले आपको बोलना है, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको भाषण स्टार्ट करना है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, इस वर्ष हम आजादी का 76वां उत्सव मना रहे हैं। आज के दिन ही हमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी और ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसमें अनेकों वीर जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, खुदीराम बोस जैसे कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी आजादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। आज भी हमारे सैनिक सीमा पर भारत माँ की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। उन वीरों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद कराया। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों, सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आजादी के बाद भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है, परंतु आज भी भारत गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से लड़ रहा है। हमें एक साथ मिलकर इन समस्याओं को खत्म करना चाहिए। हमें अपने देश के समृद्धि और विकास के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।